बिलासपुर जिले के बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री में माल भाड़े को लेकर ट्रक ऑपरेटरों व सीमेंट कारखाना प्रबंधन के बीच चल रहा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए जेपी विस्थापित व प्रभावित सहकारी परिवहन सभा सहित अन्य सहकारी सभाएं भी आगे आई हैं। इन सभाओं ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि ट्रक ऑपरेटरों की जायज मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सभा के महासचिव दौलत राम ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि कंपनी प्रबंधन ने मनमाने ढंग से तालाबंदी का निर्णय लिया है, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। बिना सरकार को सूचित किए, बिना परिवहन सभाओं को, बिना सूचना के अदानी ग्रुप ने जो तालाबंदी यहाँ दोनों कारखानों पर कर दी, जिससे क्या नतीजा हुआ कि आज हजारों लोगों की रोजी रोटी जो है वो छिन गई। तो इसके विरोध में आज, और दूसरा आज इनकी जो स्टेटमेंट है अदानी समूह के जो प्रवक्ता हैं, आज उन्होंने कहा है कि इसके लिए खुली निविदा जो है वो टेंडर जो है वो आमंत्रित किए जाएं। इसका मतलब कि इनकी प्लानिंग ये है कि जितनी भी सहकारी सभाएं यहां पर ये जो कार्यरत हैं, जिनके लगभग 15,000 परिवारों के ट्रक यहाँ कारोबार कर रहे हैं, तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और ट्रांसपोर्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये कारा जो काम है, ढुलान का जो काम है, उसको दे दिया जाए। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज मैं खुले मन से ये चैलेंज कर रहा हूँ। बेशक हमारी अल्ट्राटेक में अभी अल्ट्राटेक कंपनी चल रही है, लेकिन अगर यहाँ कोई भाड़े में आगा पीछा होता है तो ये समझ लीजिए कि ये भी हमें वही रेट देना शुरू करेंगे, तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे, क्योंकि इसने हजारों लोगों की रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है, हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन ली है, जबकि कारण कोई नहीं था। ये हड़ताल कोई ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा नहीं की गई है, ये इसने स्वयं ही बिना चर्चा किए तालाबंदी कर दी और आज कह रहा है कि आधा भाड़ा ले लो, अगर गाड़ियां चलानी हो तो जलाओ चलाओ, नहीं तो रहने दीजिए और ये प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर्स कंपनियां हैं उनके अधीन इस कारोबार को देना चाहते हैं।